हेलो दोस्तों, ऑटोकैड में हम आर्किटेक्चरल में हाउस प्लान एक बेसिक सा ड्रॉ किए थे। पहले की वीडियो में हम एक्सटीरियर वॉल इंटीरियर वॉल को ड्रॉ करना सीखे थे, साथ ही साथ डोर और विंडो को भी किस तरह से बनाया जाता है और प्लेस किया जाता है, ये सारी चीजें पहले की वीडियो में हमने सीख ली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक को लाइक फर्नीचर वगैरह या तो डाइनिंग टेबल, बाथरूम, किचन के ब्लॉक्स को एड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे इस प्लान में मैंने रूम में बेड शो करके दिखाया है, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल शो करके दिखाया है। उसी तरह से आप इस ब्लॉक का यूज करके इस रूम में कैसे शो कर सकते हैं। तो जो इसका दो मेथड होता है, एक तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं या तो आप डिजाइन सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो आज हम दोनों का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+2। तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 टाइप कीजिए। Ctrl+2 टाइप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, एक टेबल खुल जाएगा। आपको होम पे जाना है। होम पे अगर आपका इस तरह से शो करेगा होम पे जाके, तो आपको ENUS पर क्लिक करना है, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिजाइन सेंटर शो करेगा, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आपको होम स्पेस प्लान पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ब्लॉक्स का शो करेगा, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से बेडरूम, चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफा, जो भी आपको ब्लॉक्स की जरूरत है वो यहाँ से आप ड्रैग करके बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बेडरूम की। तो सबसे पहले मैं बेडरूम को बाहर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इसकी साइज है वो बहुत छोटी है, तो मुझे इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। और आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको सोफा की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। पहले हम बेड को लगा करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपका बेड है। अब मुझे इसकी साइज जो है, इसकी साइज को बड़ा करना है। तो इसको पहले मुझे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे स्केल कमांड लेना है। स्केल कमांड पे जाना है और इसको कोई भी बेस पॉइंट दे करके इसको हम ऐसे ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं ये इस हाइट पर छोड़ देता हूं। अब इसको मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसको मुझे पहले फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड का यूज करना है। इसका सेंटर मुझे चूज कर लेना है। सेंटर पे चूज करने के बाद वो आपको इसको जहां भी प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या डोर के सामने करना है, विंडो के सामने करना है, जहां भी आपको करना है वहां पे लाके आपको इस तरह से ऐसे छोड़ देना है। मुझे यहाँ पे भी रखना है तो यहाँ पे लाके मैं इस तरह से छोड़ सकता हूँ। तब भी मुझे लग रहा है कि मेरी जो फर्नीचर की जो हाइट है, जो साइज है उसका, वो छोटा है, मुझे उसे बड़ा करना है। तो फिर से मुझे इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड का यूज करेंगे और इस तरह से आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मूव करके इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी भी साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, स्केल ले लेता हूँ। इस तरह से आप इसकी साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ उसको पहले मैं। ठीक है, अगर आप इसको कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे जाइए, यहां से फर्नीचर क्लिक करना है आपको, यहां से फर्नीचर का ऑप्शन ले लेना है। जो भी कलर आपको चूज करना है आप कलर चूज कर सकते हैं। अब मुझे डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल शो करना है। जो इसका दूसरा मेथड है वो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, डीसी मतलब डिजाइन सेंटर, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद अब आप यहां से डाइनिंग टेबल ले सकते हैं। ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ सोफे की जरूरत पड़ेगी, सोफा भी ड्रैग करके बाहर ले लेते हैं, ये भी सोफा। किचन के लिए मुझे बेड बार की जरूरत पड़ेगी, इसको भी मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर लेता हूं। अब बाथ के लिए मुझे टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं दूसरी की यूज करूंगा, यहां से मुझे कट कर देना है। अब डाइनिंग टेबल की हाइट साइज को मुझे इंक्रीज करना है, स्केल कमांड का यूज करना है। इस तरह से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर से इसको सिलेक्ट करना है और
और यहां से मूव करते हुए जहां भी आपको प्लेस करना है वहां प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। अब इस किचन में मुझे वेट बार की जरूरत है, तो ये मेरा वेट बार है, इसको सिलेक्ट करना है, स्केल कमांड का यूज करना है और इसकी साइज को इसको सिलेक्ट करना है स्केल कमांड, इसकी साइज को इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। अभी भी छोटी है इसकी साइज, फिर से स्केल कमांड का यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव कर देंगे, इसको लाके यहां पे विंडो के पास प्लेस कर देंगे। तो किचन में भी आपका ब्लॉक्स रेडी हो गया है, रूम में भी आपका ब्लॉक्स फर्नीचर ऐड हो गया है, डाइनिंग हॉल में भी आपका डाइनिंग टेबल सेट हो गया है। अगर आपको डाइनिंग हॉल में सोफा भी मेंशन करना है तो सोफा का हाइट पहले आप इंक्रीज कर लीजिए स्केल कमांड से इस तरह से, अभी भी छोटा है, फिर से स्केल कमांड, ठीक है ये साइज ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मूव पे जाना है आपको और यहां से आपको ड्रैग करते हुए जहां भी आपको मेंशन करना है, इस रूम में मेंशन करना है रूम में कर सकते हैं, इस रूम में मेंशन करना है यहां पे भी आप दिखा सकते हैं, जहां भी आपको मेंशन करना है आप शो कर सकते हैं। अब मुझे इसकी रोटेशन चेंज करना है पहले सोफे की, अगर मुझे यहां पे प्लेस करना है तो उसकी रोटेशन चेंज करने के लिए सिलेक्ट करना है, रोटेट पे जाना है और इस तरह से ऑर्थो मोड को ऑन कर देना है और लाके ऐसे छोड़ देना है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी पे कोई भी पॉइंट दे देना है और इसको रूम में ला करके प्लेस कर देना है इस तरह से। इस रूम में प्लेस करना है तो यहां पे लाके आप प्लेस कर सकते हैं। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं पहले, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लॉक्स किस तरह से ऐड करना है। तो उसका दो मेथड है, या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+2, या तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं DC डिजाइन सेंटर, तो वहां से आपको सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ, Ctrl+2, यहाँ पे आपके सारे ब्लॉक्स शो कर रहे हैं। तो आप टेबल ले सकते हैं यहां से, पियानो लैम्प बेबी डाइनिंग टेबल एंटरटेनमेंट, जो भी आपको यहां से सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करते हुए और बाहर की तरफ लाके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद अगर उसकी साइज छोटी है तो आप स्केल इसको सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड का यूज कर सकते हैं और बेस पॉइंट देके उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा टेबल हो गया है, अब सोफे के बाद पास मुझे इसको मेंशन करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे मूव कमांड और इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आप इस तरह से फर्नीचर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं।